हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं अपूर्वा राजपूत और हम यहां कवर कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। हम यहां पे एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश से रिलेटेड पूरे पाठ को कवर कर रहे हैं। हमने अपनी वीडियोस की शुरुआत की है मध्य प्रदेश के भूगोल को जानने से। अपनी पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के विभिन्न भू आकृतिक प्रदेशों को जाना। वहाँ पे हमने मध्य प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक विभागों को समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए। और मध्य प्रदेश के भूगोल को करते वक्त हम अब देखेंगे मध्य प्रदेश के पर्वतों को। हम तीन वीडियोस में सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से जानने के बाद आज हम इसके पर्वतों को देख रहे हैं। इसके बाद इसकी नदियों, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और इन सभी टॉपिक्स को एक सीरीज में कवर करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में पर्वत, पठार और मैदान तीनों ही प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। हमारे मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पठारी है, लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश में कुछ पर्वत पाए जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का जो निर्माण है वो धारवाड़ शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, दक्कन शैल और तृतीयक शैल समूह के अपरदन से हुआ है। अगर बात की जाए हमारे एमपी की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की, तो मध्य प्रदेश में विस्तृत रूप से फैली प्रमुख श्रृंखलाएँ हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इनकी कुछ उप श्रृंखलाएँ भी हैं और इसके अलावा जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भी हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में फैली हुई है। आप इस मानचित्र से मध्य प्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमने देखा था कि हमने अपने मध्य प्रदेश को विभिन्न भौगोलिक प्रादेशिक प्रदेशों में बांटा हुआ है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो नर्मदा सोन घाटी है इसके दक्षिण में पाई जाती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और उत्तर में पाई जाती है विंध्याचल श्रेणी। इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहाँ फैली हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला। एक एक करके सभी पर्वत श्रेणियों को देखेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश की जो एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है वो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये नर्मदा और ताप्ती की दरार की घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मेकार श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। हमने पर्वतों के प्रकार पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि जो माउंटेन है वो भ्रशोंद पर्वत हो सकते हैं, वलित पर्वत हो सकते हैं या ज्वालामुखी पर्वत हो सकते हैं। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है। ये मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं? जो ज्वालामुखी के लावा से मिलकर बनती हैं। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से प्रारंभ होती है और पश्चिम में बुरहानपुर के दर्रे तक जाती है। जो राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ हैं, वो सब इसी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। सतपुड़ा का जो पश्चिमी भाग है उसे राजपीपला और मध्य भाग को महादेव पहाड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार जो अमरकंटक पहाड़ी है वो भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक पूर्वी भाग है। इस पर्वत श्रेणी की अगर सबसे ऊँची चोटी की बात की जाए तो वो है धूपगढ़, जिसकी ऊँचाई है 1350 मीटर। धूपगढ़ की जो पहाड़ी है वो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसी प्रकार से सतपुड़ा रेंज के मेकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा और सोन घाटियों का उद्गम होता है। जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी, उसका उद्गम होता है अमरकंटक पठार से। और ये जो अमरकंटक पठार है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्व में ही फैला हुआ है। देखिए इस मानचित्र में हम देखें तो नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और इसी के भाग हैं मेकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, ग्वालीगढ़ श्रेणी और राजपीपला श्रेणी। जो महादेव श्रेणी है यहीं पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग स्थित है, सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसे धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है, 1350 मीटर ऊंची। अब देख लेते हैं मेकाल पर्वत को जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है। यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी भाग है उसको मेकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है और जो मेकाल पर्वत का पूर्वी भाग है वो अर्धचंद्राकार है। जैसे कि अर्धचंद्राकार जो आकृति होती है लगभग उसी प्रकार से मेकाल पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग फैला हुआ है। मेकाल पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई है लगभग 1127 मीटर। आपको ये सब याद रखना होगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि महादेव श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है या मेकाल श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। चलिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को देखने के बाद अब हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख पर्वत श्रृंखला को जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये देखिए जो नर्मदा सोन घाटी थी इसके दक्षिण में जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला थी वैसे ही उत्तर में स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला।
ये पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी प्राचीन एक पर्वत है जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। ये जो विंध्याचल पर्वत है ये मालवा के पठार के दक्षिण से आरंभ होता है और उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वत का जो पश्चिमी हिस्सा है यानी कि ये वाला हिस्सा, ये लावा से आच्छादित है और लावा रहित विंध्याचल पर्वत का जो पश्चिमी भाग है भांडेर और पूर्व में कैमूर की पहाड़ी स्थित है। इसके अलावा शिप्रा नदी का उद्गम स्थल जो काकरीबर्डी पहाड़ी है वो भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में ही उपस्थित है और चंबल नदी का उद्गम स्थल जो जानापाव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है वह भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। अगर बात की जाए तो मांडू, जानापाव, वांचू पॉइंट ये सब इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दर्शनीय भाग हैं। विंध्याचल पर्वत के उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भांडेरी पहाड़ कहा जाता है और विंध्याचल के मध्य भाग में विदिशा की उदयगिरी, भोपाल के पास भीम बेटिका की पहाड़ियाँ हैं। अगर हम देखें तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को हम इस तरीके से हमारे भारत के मध्य भाग में देख सकते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को देखने के बाद अब हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी को। अरावली पर्वत श्रेणी जो कि प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से मानी जाती है, अरावली पर्वत श्रेणी है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और ये टीलों के रूप में विद्यमान है। ये एक दूसरे के समानांतर उत्तर से दक्षिण दिशाओं में दिल्ली से गुजरात के अहमदाबाद तक फैली हुई है। मालवा के उत्तर पश्चिमी पठार में स्थित इन पर्वतों के सिरे चपटे हैं और तीव्र हैं, मतलब कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये हमारे भारत में दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है और इसी का कुछ भाग हमारे मध्य प्रदेश में भी आता है। चलिए हमने अपने मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्वतों को जान लिया। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और इसके कुछ उप पर्वतों को भी जाना। उसके बाद हमने विंध्याचल पर्वत को जान लिया जो कि एक डिसकंटिन्यूड माउंटेन के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से एक पर्वत के रूप में नहीं फैला हुआ है, कहीं कहीं पर इसकी पर्वत की जो ऊंचाई है बहुत कम है, हमको मैदानी भाग सा देखने को मिलता है। बाद हमने अरावली पर्वत श्रेणी को भी जान लिया। मध्य प्रदेश की इन पर्वत श्रृंखलाओं को जानना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि इनसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि पिछली बार के प्री में ही पूछा गया था। मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है वो किस पर्वत श्रृंखला में उपस्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में, महादेव पर्वत श्रृंखला में, मेकार श्रेणी में या फिर विंध्यन श्रेणी में? आंसर हम दे सकते हैं, इसका आंसर होगा महादेव श्रेणी में, ऑप्शन बी। देखिए हमने अभी पढ़ा भी था कि पर्वत श्रृंखला का जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची, ये महादेव पर्वत पर स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। अब इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मध्य प्रदेश के पर्वतों से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा हम उसे अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में अगली वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की विभिन्न नदियों को। मेरा प्रयास रहता है कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं मैं उन्हें शुद्धता से आपके सामने ला सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से कोई भी टॉपिक हमसे ना छूटे, इसलिए आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सजेशंस हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम मिलेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल में अगली वीडियो में जो कि होगी मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।